Hello, Namaste SatSriAkal, beautiful people. Welcome to my YouTube channel. My name is Sanchit and you're watching Sing on Wheels. अभी व्हील्स पे नहीं हूँ बट थोड़ी देर में आ जाऊंगा. तो ये वीडियो इसी बारे में आपने टाइटल पढ़ ही लिया है कि मैं बहुत टाइम से यूट्यूब पे वीडियोस नहीं अपलोड कर रहा हूँ. इंस्टाग्राम पे देखोगे तो लास्ट 15-20 दिन में मैं वापस एक्टिव हुआ हूँ, उससे पहले एक्टिव भी नहीं था. तो उसके कुछ रीजंस है. मैंने कहा अभी आप लोग मेरी फैमिली जैसे ही हो तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ. ज्यादा बोलता नहीं हूँ यहाँ पे खड़े होकर. लेट्स गेट डायरेक्ट इनटू द वीडियो. बाइक पे बैठ के बात करते हैं और फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद. सो गाइस, अपनी वो आदत तो है नहीं कि बातों को गोल गोल घुमाता रहूं, वीडियो को लंबा लंबा करूं. शॉर्ट में बताऊंगा आप लोगों को कि मैं इतना टाइम हो गया कोई वीडियो अपलोड नहीं किया. आपने देखा होगा रिसेंटली मैंने अपने लेह का जो मैं अगस्त एंड में गया था वो वाला व्लॉग मैंने अभी रिसेंटली डाला है. उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं कि मैं व्लॉग नहीं कर रहा, बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाला यूट्यूब पे. इनफैक्ट मुझे एक अपने भाई का, जिनको मैं शायद जानता भी नहीं, शायद कभी बात भी नहीं, उनका ईमेल आया था थर्ड टाइम पहले कि मैं ठीक हूँ, सब ठीक है या नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे ले वाले व्लॉग्स देखे और उनको लगा कि इसके बाद तो भाई कोई वीडियो ही नहीं डाला भाई ने. तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सब ठीक है या नहीं. तो एक्चुअली वैसे तो सब ठीक है बट सब कुछ ठीक नहीं है. तो देखो कुछ मेन रीजंस मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई व्लॉग नहीं डाल रहा हूँ, कहीं मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ. इनफैक्ट घूमने गया था, बीच में उत्तराखंड गया था, मैं भी जो पंजाब गया था वहाँ से उत्तराखंड गया था, आपको वो भी स्टोरी बताऊँगा. उसका भी कोई व्लॉग नहीं आया, कोई डिटेल नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं. उत्तराखंड जाके वापस दिल्ली आ गया, मैंने जा रहा स्टोरीज वोरीज भी नहीं डाली, थोड़ा बहुत अपडेट किया और देन वापस. और ये आ रहा है नवप्रीत भाई का कॉल. हाँ, तो आई वो सेइंग सीन ऐसा हुआ कि जैसे मैं लद्दाख से आया ना, अभी लगा लो मैं 1 सितंबर को घर पहुंचा था. 3 सितंबर मेरी लास्ट जॉब की लास्ट डेट थी, लास्ट वर्किंग डे था 3 सितंबर. उसके बाद 6 सितंबर से मेरी न्यू जॉब स्टार्ट हो गई थी. अभी पता नहीं, समझ नहीं आता कि मैं ये चीज़ें शेयर करूँ, कौन सी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ. तो अभी के लिए हम रहने देते हैं. अगर आपको कुछ जानना है तो आप इंस्टाग्राम पर DM में आ जाना, वहाँ बात करेंगे. या इंस्टाग्राम की ID भी आ रही होगी, सो डू फॉलो मी इंस्टाग्राम एज वेल. सो सीन ये हुआ, लद्दाख से आया, वो जॉब खत्म हुई, ये जॉब स्टार्ट हो गई. एंड यू नो कि न्यू जॉब स्टार्ट होती है तो इट टेक्स टाइम थोड़ा सा सेटल डाउन होने में, चीज़ें समझने में, जॉब समझने में. और अभी भी 2 महीने हुए जॉब करते हुए, तो अभी भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि सारी चीज़ों पे आई गॉट ग्रिप. तो अभी भी ठीक है, कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ, कुछ चीज़ें समझ गया हूँ, कर रहा हूँ. एंड जो मेरी जॉब लोकेशन है वो भी बठिंडा है. तो जो मेरी इंस्टाग्राम फैमिली है उन लोगों को पता है कि पीछे मैं 10-12 दिन के लिए बठिंडा गया था, फिर वहाँ से मुझे बटाला भेज दिया 2 दिन के लिए. बटाला से मतलब उसके बाद जो वीकेंड आ रहा था तो हमने प्लान किया था उत्तराखंड जाएंगे, तो उत्तराखंड चला गया था. बट एक और सबसे बड़ा रीज़न था ब्लॉगिंग ना करने का. सी, एक तो मैंने बताया न्यू जॉब, उस चक्कर में बिजी हो गया. दूसरा रीज़न ये है कि जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं ना, या जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे जानते हैं, उन्हें आइडिया है कि मेरा एक फ्रेंड था भगवंत, बिल्कुल मेरे भाई जैसा था. अगर आप अभी भी चैनल पे जाके देखोगे ना, थोड़े टाइम पहले के बरोड वैली के व्लॉग्स होंगे, लास्ट ईयर के, उससे पहले के बहुत सारे व्लॉग्स में होगा. मैं डेली आता था जब कॉलेज से, जब अहमदाबाद में कॉलेज था मेरा, जब वहाँ से डेली आता था तो वो स्पेशली मेरे से भागा भागा मिलने आता था. तो एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे हम लोग, बिल्कुल मेरे बड़े भाई जैसा था, मुझे छोटे भाई की तरह ही रखता था वो भी. तो रिसेंटली उसकी डेथ हो गई. मैं ज़्यादा उस बारे में बात नहीं करूँगा, ज़्यादा शेयर नहीं करूँगा. तो जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं मेरे साथ कनेक्टेड, उन लोगों को आइडिया है कि कब हुआ, क्या हुआ. बहुत लोगों ने पूछा भी, बहुत लोग उसको जानते भी थे, नहीं भी जानते थे तो मेरी स्टोरीज़ के थ्रू तो बहुत लोग जानते रहे. तो वो मेरे लिए ना बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही ज़्यादा दुख भरा इंसिडेंट था, जिससे मैं अभी भी ओवरकम नहीं कर पाया हूँ पूरी तरह. क्योंकि ना सही बताऊँ ना, उसके इस इंसिडेंट के बाद ना मेरा व्लॉग करने का मन कर रहा है, ना जॉब करने का मन कर रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था. बस यही है, आज मैं सोचा चलो ये बाइक बहुत दिनों से खड़ी थी, छोटे भाई की बाइक है, मैंने कहा चलो निकालते हैं, इसको भी चलाते हैं, क्योंकि इसकी बैटरी वैटरी सब डाउन हो गई थी, सब मैंने चार्ज कराई वापस से. ये 2 रीज़न हो गए. और एक तीसरा और बहुत बड़ा रीज़न है कि अभी ना कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सिर पे, नॉट फाइनेंशियल नहीं, बट अगेन जो लोग इंस्टाग्राम पे मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है कि 2020 में मेरे डैड को ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसके बाद लेफ्ट साइड ऑफ हिज बॉडी गॉट पैरालाइज. तो वो ब्रेन स्ट्रोक जो क्लॉट था ब्लड का, वो तो डिजॉल्व हो गया था, बट अभी भी ही इज़ नॉट रिकवर्ड फ्रॉम पैरालिसिस. तो उसी रिगार्ड में कई बार जाना आना पड़ता है, क्योंकि कोई ऐसे
बिकॉज पैरालिसिस का कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ देसी इलाज ही है उसके लिए, यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। तो सैटरडे संडे में मेरे वहाँ चले जाते हैं, कई बार घर वालों के साथ कहीं और जाना होता है। तो आप देखोगे ना संडे राइड्स मैंने नहीं करी, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, सीधी बात करूँगा। तो ये तीन बहुत बड़े रीजन्स हैं जिस वजह से मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा हूँ, कहीं घूमने नहीं जा पा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं खुद इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, क्योंकि अब मानोगे नहीं यार, क्या एक टाइम था, क्या ज़िंदगी थी कि हर महीने भाई एक 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 ट्रिप तो मिनिमम होती है हर महीने, और कभी कभी दो ट्रिप भी हो जा रही थी। बट अभी बहुत टाइम से वो चीज़ नहीं हो पा रही, वो स्ट्रिक टूट गई है मेरी। बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम है, हार्ड टाइम है, निकल जाएगा, जैसे तैसे निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद इंशाल्लाह अच्छा टाइम आएगा, बहुत अच्छा टाइम आएगा। महीने में एक क्या यार, पूरा महीना घूमेंगे, ऐसा टाइम भी आएगा इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, उसके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप लोग जितना वीडियो देखोगे, जितना वीडियो को शेयर करोगे, जो वीडियो अच्छा लगता है उसको लाइक करोगे, कमेंट करोगे बढ़िया बढ़िया, या कुछ आपको लगता है कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, कुछ नया आ सकता है, वो कमेंट करके बताओगे तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। आई वुड बी ग्रेटफुल। और चैनल को आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ, वो भी मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। बाकी अभी मैं आया हूँ यहाँ नवप्रीत भाई के पास, मैंने कहा चलो बाइक निकाली है तो उसको ही बोलता हूँ, बाइक निकाल लेगा। अभी लास्ट ट्रिप पे उसकी सीवीआर में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसकी सीवीआर तो मेरे घर के नीचे ही खड़ी है, वो अभी तक उसका एक पार्ट जो ख़राब हो गया वो अवेलेबल नहीं है। तो उसके पास एक FZ250 है, तो आज ना मैं अपनी बाइक चला रहा हूँ, ना वो अपनी बाइक चला रहा है, मैं भी अपने भाई की बाइक चला रहा हूँ, वो भी अपने भाई की बाइक चला रहा है। तो अभी वो सब मिलेगा, फिर छोटी सी एक्सप्लेन करेंगे। सो आज 19 नवंबर है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को गुरु नानक जयंती की बहुत 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 शुभकामनाएं। बाबा जी सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखें, किसी को कोई दुख ना आने दें, और दुख आए भी तो उससे जूझने की हिम्मत दें, शक्ति दें। तो आज जैसे कि फ्राइडे है, अगेन कल सैटरडे संडे, कल मुझे फिर से अपने फादर को लेके जाना है कहीं दूर। तो अगेन इस सैटरडे संडे नो राइड्स, देन अगेन नेक्स्ट वीक मैं शायद वापस बठिंडा जाऊँ काम के लिए ही, तो हो सकता है हफ्ता वहाँ भी निकल जाए। सो ये आ गए नवप्रीत भाई, हमारे भाई लेकर आए हैं FZ250। और एक कमाल की चीज़ देखो, भाई ने 250 छोड़ के 250 उठाई है, और मैंने 400 छोड़ के 400 उठाई है। मेरे कहने का मतलब है सीवीआर 250 छोड़ के FZ250 और डोमिनार 400 छोड़ के Duke 390, एक ही बात होगी ना, इंजन तो सेम ही है। अभी हम सोच रहे हैं कि कहाँ तक जाएं गेड़ी मारने, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कल जाना है तो कल सुबह निकलना है मेरे को जल्दी, और अभी इट्स 8:45, तो ऐसा भी हो जाए कि शॉर्ट स्पिन भी हो जाए, थोड़ा कुछ खा पी भी लें हल्का फुल्का, कोल्ड कॉफ़ी शोल्ड कॉफ़ी टाइप्स, और फिर टाइम से घर भी आ जाए। ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि मतलब ठीक है, दिस इज नॉट अ वेरी हाई नोट वाला वीडियो, ये बहुत ही अच्छा वीडियो, इट्स जस्ट दैट कि एक लाइफ अपडेट था, लेना भी जरूरी था, बहुत टाइम हो गया था। यहाँ तक वीडियो देखा तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कोशिश करूंगा ब्लॉग्स अब रेगुलर आए, कुछ भी हो जाए ब्लॉग्स डालता रहूँ, कोशिश यही रहेगी। सपोर्ट आप लोगों ने दिखाना है, सपोर्ट आप लोगों ने करना है। आप लोग हो तो मैं हूँ, अगर आपको सपोर्ट नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ किसी को भी नहीं पता चलेगा, कोई भी नहीं जानेगा। आप लोग हो तो उसे मेरी पहचान है, सिंग ऑन व्हील्स कौन है, क्यों है, क्योंकि उसके सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि उसकी वीडियोस देखते हैं लोग, तो वो लोग आप ही हो। सो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। मुझे ऐसा कोई लालच नहीं है कि मेरे बहुत जल्दी 1 मिलियन, मतलब मैं चाहता हूँ ऐसा हो, बट लालच नहीं है। मुझे ऐसा है कि जितने लोगों के साथ भी जुड़ो ना, दिल से कनेक्शन बने, इसलिए बस एक लाइव का अपडेट आप लोगों ने शेयर किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन, मिलते हैं किसी और ब्यूटीफुल से वीडियो में। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज सिंग ऑन व्हील्स साइनिंग ऑफ, बाय बाय, हैव फन, एंजॉय योर डे एंड एंजॉय योर लाइफ, छोटी सी जिंदगी है, खुल के जियो।